ओह सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ आलिया सिद्दीकी, योर विथ माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि आलिया ये क्या कर रही थी, राइट? आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे। तो लेट मी टेल यू कि आज मैं आपको एकदम सिंपल नॉर्मल दिख रही हूँ, बिना मेकअप के, एकदम क्लियर फेस से। मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है। मैं आज आपको मेरी स्किन का सीक्रेट बताने वाली हूँ, जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ मेरी डेली रूटीन्स में, मेरी स्किन केयर के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं उस बारे में कुछ आपसे शेयर करती हूँ। तो लास्ट तक बनी रहिए मेरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा उपाय काम आया या नहीं। अभी जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, और हमेशा पहले हम जो चीज़ अप्लाई करते हैं उससे पहले हम फेस वॉश ज़रूर यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदिक नीम का फेस वॉश, जो काफ़ी हेल्दी होता है स्किन के लिए और बहुत अच्छा होता है। नीम में ये पावर होती है कि हमारे जो सारे डर्ट सेल्स है, पोर्स है, वो सारी चीज़ें कम हो जाती है और हमारी स्किन काफ़ी ब्राइट लगती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इस बायोटिक के प्रोडक्ट को, जो फेस वॉश है, हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और अपना फेस क्लीन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैंने कर दिए है अपने बाल बिल्कुल पीछे, जिससे मुझे मेरे हेयर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये रहा फेस वॉश, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई फेस। तो सॉरी, मैं अपनी रिंग्स निकालना भूल गई थी। ओके, देन कैन यू सी दिस कलर, ग्रीन कलर, कितना प्यारा सा कलर है ये। एंड अब मैं इसको अप्लाई करूँगी थोड़ा फेस को, मैं अपने वेट कर लेती हूँ। देन इस पर दिया गया है कि हमें जेंटली मसाज करना है अपने फिंगर टिप से, लाइक दिस। ओके, तो हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे। बेसिकली हमें ज़्यादा नहीं करना है, इट्स अपॉन 1 मिनट के लिए भी बहुत होगा अगर आप फेस को एक नॉर्मल मसाज दे रहे हो तो, लाइक दिस। यू सी, टेक इट लाइक दिस, अपर पोर्शन ना। देन अभी मैंने इसको अच्छे से रब किया है मेरे पूरे स्किन पर और मेरी फिंगर टिप से। तो अभी मैं इसको करूँगी वॉश। ओके, नाउ मैंने अपना फेस बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो आप अभी मेरे फेस को एकदम क्लियरली देख सकते हो, जो मेरी स्किन पे पहले जैसे रिएक्शंस थे, मतलब जो दिख रहे थे, वो अब वैसे नहीं लग रहे, एकदम क्लीन लग रहा है। ओके, एज यू कैन सी माय फेस। एकदम क्लीन हो गया है। ओके, तो अभी ये तो था बायोटिक का फेस वॉश जो मैंने अभी बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, और इसका नाम है एप्रिकॉट स्क्रब।
और ये ब्लैक आका है जो मैं यूज़ करते आ रही हूँ काफ़ी दिनों से, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये एप्रिकॉट का जो स्क्रब है इससे मेरी स्किन काफ़ी टाइट हो जाती है और काफ़ी एक नॉर्मल सा टच मिलता है मुझे, लाइक जो स्किन को बहुत अच्छा फील कराता है मेरी। तो इसे ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो अब मैं इसको यूज़ करके बताती हूँ। सो नाउ यू कैन सी, ओके, सो इसको भी हमें बिल्कुल वैसे ही जेंटली मसाज करनी है जैसे हमने अपने फेस वॉश पे किया था। यू कैन सी दिस, ओके। तो हम इसको अच्छे से अपने पाम पर फैला देंगे एंड उसके बाद इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह। एंड नाउ वील स्टार्ट स्क्रबिंग। स्क्रब जो होता है आपकी स्किन के लिए बहुत सही प्रोडक्ट है बिकॉज उससे हमारा जो डर्ट सेल्स है, जो एकदम अजीब से मतलब जो हमारे स्पॉट्स पर जाते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और जो भी होते हैं, स्क्रब फाइट करता है उनसे इस चीज़ निकालने के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको स्क्रब करना चाहिए फेस पर, जिससे हमारी स्किन काफ़ी क्लियर हो जाती है और हाईलाइट ज़्यादा करती है। सो बेसिकली स्क्रब को हमें कम से कम अपने फेस पे 2 मिनट्स तक के वो करना है। नाउ मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी कुछ कुछ जगहों पे जो डर्ट्स होती है वो हम नहीं देख पाते हैं, तो नॉर्मली ज़्यादातर जो डर्ट जमती है वो यहाँ होती है इस तरफ और ये इलाके में इस तरफ साइड टू साइड। तो इसे हमको अच्छे से रब करना है इस तरीके से। सो अभी आई थिंक मेरे 2 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस को रब किया है, स्क्रब किया है इस तरीके से। तो अभी बारी है वॉश करने की, तो वॉश करने के बाद मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ। ओके, सो नाउ आई एम क्लीनिंग। सो मैंने स्क्रब किया है अपने फेस पे, नाउ यू कैन सी हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग। ठीक है, ये काफ़ी प्यारी लग रही है और धीरे धीरे मतलब एकदम चेंज होना शुरू हो गया है फेस पे, आप देख सकते हो। सो अभी बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट की ओर, और ये है VLCC का डायमंड किट, जिसमें से मैं हमेशा अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ क्रीम और जेल, जो कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, जो इम्प्रूव करता है आपकी स्किन को, एक वाइटनिंग देता है फेस पे। तो चलिए ट्राई करते हैं।
तो इस प्रोडक्ट में सबसे पहले जो हमें मिलता है वो है क्लिंजर, जिससे हमको अपनी स्किन क्लीन करनी पड़ती है। तो चलिए यूज़ करते हैं। और ये एलोवेरा के साथ है, ठीक है। एंड नाउ इसको भी सेम जेंटली मसाज करेंगे हम अपने हाथों से, जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट्स को किया था। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। तो अभी जो मेरा फेस है मैंने अच्छे से रब कर लिया है, अब बारी है इसको क्लीन करने की, तो हम इसको वॉश करते हैं। ओके सो मैंने फेस जो है क्लीन कर लिया है और अच्छे से मैंने इसको साफ भी कर लिया है। तो अब आप मेरी स्किन देख सकते हैं, काफी ग्लोइंग लग रही है और शाइनी शाइनी हो रही है। अभी हम बढ़ते हैं VLCC के सेकेंड आइटम की तरफ। तो जो सेकेंड आइटम है वो हमें दिया गया है मसाज जेल, ठीक है। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे और इसके अंदर है बासमा एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसा है। ये चीज़ आपको काफ़ी रीजनेबल रेट में मार्केट में मिल जाएगी और इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जेल मैंने अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लिया है। अब जेल को मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स तक अपने फेस पर स्क्रब करना है। सो मेरे 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और मैंने बहुत अच्छे से अपने जेल को फेस पे अप्लाई कर लिया है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि जेल की जो शाइनिंग है आपको दिख रही होगी मेरे फेस पे, ठीक है। अब इसको हम करते हैं वॉश और इसके रिजल्ट्स देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी माई स्किन कितनी प्रिटी लग रही है और एकदम आपको क्लीन लग रही होगी सी। और ये शाइनिंग शाइनिंग जो आपको दिख रही है ये ऑब्वियसली जेल और क्लींजर की वजह से आया है, जो मेरी स्किन पर आप नोटिस कर रहे हो। सी दिस, सो आई एम टेलिंग यू कि ये प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छे, आपको भी ट्राई करने चाहिए। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे VLCC के थर्ड आइटम की ओर, ठीक है। तो हमें थर्ड आइटम दिया गया है डायमंड वॉश ऑफ मास्क। ये मास्क है जो हम अपने फेस पे लगाएंगे बिल्कुल 5 मिनट तक, और इसके सूखने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो चलिए ये भी अप्लाई करके देखते हैं। और इसके अंदर जो है वो स्किन पॉलिशिंग करता है ये, और इसके अंदर जो है डायमंड बासमा है एंड ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको भी। ओके नाउ लेट्स अप्लाई। सो ये बिल्कुल हमारे पैक जैसा है जैसे हम फेस पे यूज करते हैं इस तरीके से।
सो मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, एज यू कैन सी दिस, इस तरीके से। ओके, देख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक तरीके से मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई किया है हर जगह। अब हमें वेट करना है 5 मिनट्स, जब तक ये सूख नहीं जाता, और उसके बाद हमको इसको क्लीन करना है। तो वेट करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी कि थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, आप देख सकते हैं। और ऐसे थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि ये पार्ट अभी भी इसी तरह गीला है। ओके, सो आफ्टर वेटिंग फॉर 10 to 15 minutes, मुझे नहीं लगता ये 5 मिनट में सूखा हुआ है गाइस। आफ्टर वेटिंग फॉर 10 to 15 minutes, मेरा जो पैक है वो पूरा अच्छी तरह से सूख चुका है। अब बारी आती है इसको वॉश करने की, मतलब इसको क्लीन करने की। तो चलिए क्लीन करते हैं। आई विश कि इसका रिजल्ट अच्छा हो। सो आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लीन किया है, एंड हाउ इज माय स्किन लुकिंग। सो आप देख ही रहो कि प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और कितना स्किन मेरी ग्लो कर रही है, पूरी वाइटनिंग हो गई है। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे VLCC के 4th item की तरफ। तो ये हमें दिया गया है डिटॉक्स लोशन, जिसमें ये पॉलिश करता है हमारे फेस को, और इसमें बासना और ऑलिव ऑयल है। तो यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है। So as you can see, मैंने कर लिया है इसको अच्छे से रब कर लिया है। अब इसको करते हैं क्लीन, और मैं इसको करती हूँ वॉश। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। नाउ एज यू कैन सी माई स्किन इज सो शाइनी, एंड आई एम इन लव विथ माई स्किन। सो हियर इज माई फाइनल लुक। प्रिटी मी। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने 4th product की ओर, जो कि है मेरा टोनर, जो मैं बिल्कुल नहीं भूलती यूज़ करना। और टोनर से जो होता है, जो पोर्स होती है हमारी, जिसमें स्किन में जो होल्स होते हैं वो पोर्स टाइट करता है, जो हमारी स्किन को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है और काफ़ी प्यारी बनाती है। तो यूज़ करते हैं। सो ये रहा मेरा 4th product। ये भी बायोटिक का है, और ये भी काफ़ी रीजनेबल रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो मेरा जो बायोटिक का प्रोडक्ट है वो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग है, और ये बेसिकली हिमालयन वाटर का है, और नॉर्मल ऑयली स्किन के लिए यूज़ होता है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है 100%, और आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आई विल शो यू। तो ये बॉटल दिखती ऐसी है, काफ़ी प्यारी सी है ना, छोटू सी मेरी जैसी, और ये बिल्कुल पानी जैसा है। सो डोंट वरी अगर ऐसे गिर भी जाता है तो, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सो नाउ आई विल अप्लाई लाइक दिस। ये काफ़ी ठंडा है और स्किन को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व, स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। So as you can see, I'm applying. Oops.
सो ये मेरा फाइनल लुक है आफ्टर टोनर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ और जिससे मेरी स्किन काफ़ी मॉइस्चराइजिंग रहती है और मेरी स्किन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है एंड ऐसी ग्लो करती है। सो दिस इज़ माय डॉक्टर एल्स विटामिन सी सीरम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें यूज़ करना चाहिए। सीरम्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मेरा जो सीरम है ये हम लोगों को एंटी एक्ने से प्रोटेक्ट करता है एंड दूसरी स्किन वाइटनिंग करता है एंड इसमें यूवी प्रोटेक्शन भी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और ये रहा मेरा सीरम विटामिन सी एंड इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और आपको ये भी काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल जाएगा। ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बिल्कुल चीप प्राइस में और ये काफ़ी अच्छा है। सो नाउ आई शो यू हाउ टू यूज़ इट। बिल्कुल अपने फेस पे आपके फेस में ऑब्जर्व हो जाए। ओके सो ये बहुत अच्छी तरह से अब मेरे फेस पे ऑब्जर्व हो गया है। नाउ ये रहा मेरा रियल रिजल्ट। एज यू कैन सी माय स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है और क्लीन लग रही है। मैं आपको इसको सामने से बताती हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हो ये काफ़ी ग्लो कर रही है एंड कैसी चिकनी चिकनी सी लग रही है, एकदम प्यारी सी। एंड जो ये स्किन में आप देख रहे हो जो शाइनिंग आ रही है ये सारे इसी प्रोडक्ट्स की वजह से आ रही है। सो जिससे मेरी स्किन काफ़ी प्यारी लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है एंड इससे मुझे बहुत अच्छी वाइटनिंग भी मिली है फेस को। एंड ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है और बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही चीप रेट्स में आपको मिलेंगे। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो या आपको ईजी अवेलेबल मिल जाएंगे, मीशो पर भी मिलेंगे आपको, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी साइट आप यूज़ करते हो उन सारी साइट में सबको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा, क्या मेरे प्रोडक्ट बिल्कुल सही है या नहीं। आप ये भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं मैं आगे इसी तरह की और वीडियोस बनाऊँ रिलेटेड टू माय मेकअप वगैरह, ड्रेसिंग सेंस, जो आप चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो नीचे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कीजिए मुझे, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, सी यू, मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।